आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि ब्लाउज पर किस तरह से साइड में हुकाई की पट्टी अटैच की जाती है। तो ये हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाया, तो पूरा ब्लाउज हमने स्टिच कर लिया है और इसमें हमने स्लीव्स भी अटैच कर ली हैं दोनों साइड। इस साइड से ये ब्लाउज का बैक वाला साइड है और इस साइड से ये ब्लाउज का फ्रंट वाला साइड है और ये ब्लाउज का राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे क्योंकि ये वाला साइड जो होता है वो साड़ी से कवर हो जाता है और लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो ओपन रहता है। तो इस साइड हम हुकाई की पट्टी अटैच नहीं करेंगे, तो इसका आप खास ध्यान रखें। और यहाँ पर जितना हमने सिलाई मार्जिन लिया था उस पर हमने निशान लगा दिया है। तो 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन लिया था इसमें, तो स्लीव्स तक हमने यहाँ पर निशान लगा दिया फिटिंग के लिए। और दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से फिटिंग का निशान था उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी है। इस साइड ये राइट हैंड साइड है, इस साइड हम आपको बाद में बताएंगे किस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इस साइड जो हमने फिटिंग की यहाँ पर लाइन बना रखी है, इस लाइन के ऊपर हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। तो यहाँ से सिलाई लगाकर हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। रिवर्स स्टिच लगाकर हम सिलाई को लॉक कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो हमारा आर्म होल का जॉइंट है, यहाँ से इस कपड़े को हम स्लीव्स की तरफ रखेंगे दोनों साइड से ही। तो इसका भी आप खास ध्यान रखें जब भी आप ब्लाउज पर फिटिंग की स्टिच लगाएं। यहाँ से भी हम रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को लॉक कर देते हैं। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड फिटिंग की स्टिच लगा ली है। अब हम राइट हैंड साइड सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें किस तरह से सिलाई लगानी है, यहाँ पर हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो आर्म होल की स्टिच है यहाँ से हम 2 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे। और यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है स्लीव से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम जो लाइन है फिटिंग की उस पर सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। यहाँ तक हम सिलाई लगा लेते हैं इस पर। यहाँ से हम 2-3 बार रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को अच्छी तरह से लॉक कर लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है, इसकी पिंस हम निकाल देते हैं। और यहाँ से जो ओपन पार्ट है यहाँ पर हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। अब यहाँ से जो हमारी फिटिंग की लाइन है यहाँ से हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और ब्लाउज के राइट साइड दोनों साइड फ्रंट और बैक दोनों साइड ही हम फिटिंग की जो लाइन है उस लाइन के बराबर से हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं। इस तरह से पहले मार्क करने से जब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे जो फिटिंग वाली लाइन है वहां तक हमारा बराबर से फोल्ड होगा और बिल्कुल फिटिंग से ये ब्लाउज बनेगा। तो देखिए हमने दोनों साइड जो राइट साइड है ब्लाउज की वहां पर हमने फिटिंग की लाइन तक निशान लगा लिया है। और अब यहां से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो एक बार फोल्ड किया, एक बार और फोल्ड करेंगे और जो हमने फिटिंग के लिए हमने लाइन ड्रॉ करी है उस लाइन के बराबर से हम इसे फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे अंदर वाले किनारे पर, बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगानी है। और दूसरे साइड से भी हम इसे इसी तरह से फोल्ड करेंगे 2 बार और फिटिंग की जो लाइन है इस लाइन का हम ध्यान रखेंगे। और यहाँ से फोल्ड करके इसके ऊपर भी हम इस तरह से अंदर वाले किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। हमने जो फिटिंग की लाइन ड्रॉ करी है राइट साइड में तो उसे ही फायदा रहेगा जब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल बराबर से फोल्ड होगा कपड़ा, कहीं से कम या कहीं से ज्यादा फोल्ड नहीं होगा। जिस तरह से हम कुर्ती में साइड स्लिट्स बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब देखिए हमने इस पर यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से सुई को हम कपड़े के अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ से इसे उठाएंगे प्रेशर फुट को और इसे टर्न करेंगे। अब यहाँ से हम सिलाई लगाते हुए इसे नीचे उतार लेते हैं। तो ये हमने एक साइड सिलाई लगा ली है, बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे साइड भी सिलाई लगाएंगे।
ये हमने दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने ये सिलाई लगाई है, और जैसे कुर्ती में स्लिट्स बनती हैं वैसे हमने यहाँ पर स्लिट्स बना ली हैं, और राइट साइड से भी फिनिशिंग के साथ ये स्टिच लग गई है। अब हम इस पर आई पट्टी अटैच करेंगे। तो ये सीधा साइड है और ये वाला उल्टा साइड है ब्लाउज का। तो जो उल्टा साइड है यानी कि बैक वाला साइड है ब्लाउज का, उस साइड हम आई की पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हमने एक कपड़े की स्ट्रैप कट करी है जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 4 इंच, और इसकी लंबाई के लिए हम इस तरह से नाप लेते हैं इसे। तो 5 इंच है यहाँ पर हमने जो सिलाई लगाई है, तो 6.5 इंच हम इसकी लंबाई ले रहे हैं। लगभग 1.5 इंच हमने इसकी लंबाई ज़्यादा ली है। अब यहाँ से एक साइड से हम इसे डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसकी आई पट्टी तैयार करेंगे। तो एक साइड से थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करेंगे, दूसरे साइड से भी फोल्ड करेंगे, दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके इसे सेंटर से एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, और इस तरह से हम आई पट्टी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये हमने आई पट्टी बना ली है। अब हम इसे ब्लाउज पर स्टिच करेंगे। तो इसके लिए हम ब्लाउज को सीधा कर लेते हैं। ये हमने ब्लाउज को सीधा कर लिया है। अब ब्लाउज का जो बैक साइड है वहां पर हम आई पट्टी अटैच करेंगे। तो इसका आप खास ध्यान रखिए, आप राइट साइड आई पट्टी अटैच ना करें, बिल्कुल उल्टे साइड ब्लाउज का जो बैक वाला पार्ट है उस पर हमें आई पट्टी स्टिच करनी है। इसे इस तरह से बराबर सेट करके रखेंगे, और बाहर वाली जो किनारी है ब्लाउज की उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। आई पट्टी को हम थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ दबाते जाएंगे, और इसके ऊपर बाहर वाले किनारे किनारे हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब सुई को हम अंदर की तरफ रखेंगे कपड़े के, और यहाँ से हम प्रेशर फुट को उठा लेंगे, और ब्लाउज को हम इस तरह से घुमा लेते हैं। अब यहाँ से हम लगभग 1/2 इंच दूरी पर निशान लगाएंगे, तो हम चौक से मार्क कर लेते हैं। अब जो दूसरा साइड है यानी कि जो ब्लाउज का राइट वाला पार्ट है, उस साइड को हम 1/2 इंच पर जो हमने निशान लगाया वहां तक हम इस तरह से इसको इसके ऊपर चढ़ा के रखेंगे, सेट करके रखेंगे, और यहाँ तक हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से सिलाई लगाने से ये दोनों स्ट्रैप बिल्कुल बराबर से टच होके रहती हैं, बिल्कुल अलग अलग नहीं रहती हैं। यहाँ से रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को अच्छी तरह से लॉक कर लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने ये आई पट्टी भी अटैच कर ली है। अब इस साइड तो हम हुक अटैच करेंगे, और इस साइड हम आई बनाएंगे। ये हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ हुक आई पट्टी बना ली है। तो इस तरह से अगर आप ब्लाउज में साइड हुक आई की पट्टी अटैच करेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही अटैच होगी। तो आप देख सकते हैं, और ऐसे हुक आई पट्टी अटैच करने से यहाँ पर हुक और आई बनाने के बाद में जब आप इसे पहनेंगे तो यहाँ से बिल्कुल भी खुला खुला नहीं दिखाई देगा, ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट होके रहेगा। ये देखिए हमने साइड में हुक और आई भी बना ली है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा।